मणिपुर पर हिंसा का आघात, बेघर लोगों का दर्द बेहिसा। खतरे में जिंदगी, छूटे आशियाने, गम आंसुओं का सैलाब। रिलीफ कैंप अब ठिकाना, नवजातों के भविष्य पर सवाल। इम्फाल में रिलीफ कैंप से जी न्यूज की ग्राउंड रिपोर्ट। मणिपुर में हिंसा की आग अब तक कई जिंदगियों को ले चुकी है, तो वहीं कई लोग जान बचाने के लिए अपना आशियाना छोड़ने को मजबूर हुए हैं। इन लोगों ने शरण ली है रिलीफ कैंपों में, जहां ये अपने परिवार के साथ सुरक्षित महसूस कर रहे हैं। हालांकि घर छोड़ने का दर्द इनकी आंखों से छलक उठता है। ये उस पल को याद कर सिहर उठते हैं, जब हिंसा की चिंगारी ने इनके आशियाने को खाक कर दिया। राजधानी इम्फाल में जिस रिलीफ कैंप में ये लोग रह रहे हैं, वहां जी न्यूज पहुंचा और इन लोगों का हाल जाना। मैदई समाज के लोगों ने इस रिलीफ कैंप में पनाह ली हुई है। इस रिलीफ कैंप में अब तक 16 बच्चों का जन्म हो चुका है। कईयों को तो इस दुनिया में आए हुए सिर्फ एक हफ्ता हुआ है। मणिपुर में हो रही हिंसा की शायद ही इन बच्चों को कोई भनक हो, क्योंकि अभी अभी तो इनका जीवन शुरू हुआ है, अभी अभी तो इन्हें एक नई जिंदगी मिली है। और एक रिलीफ कैंप में इस वक्त हमारी मौजूदगी है। तस्वीरों के जरिए आपको समझाने की कोशिश करते हैं कि एक तरफ हिंसा की आग है, लेकिन इसी हिंसा के बीच में आप देखिए कि किस तरह से नया जीवन भी मिल रहा है। ये वो बच्चे हैं जिनकी माताएं गर्भवती थी, और रिलीफ कैंप में एक नहीं दो नहीं, जहां हमारी मौजूदगी है, 16 बच्चों ने जन्म लिया है। ये जो दो बच्चे आप देख रहे हैं, इनकी अभी अभी षष्ठी पूजा हुई है, यानी कि ये बच्चे सिर्फ अभी 6 दिन के ही हैं, 6 दिन के ये बच्चे। और साथ ही साथ आपको तस्वीरें कैमरा पैन करके भी कैमरा पर्सन राजेश दिखाएंगे कि यहाँ वो तमाम माएँ हैं जो हिंसा के वक्त अपना घर बार छोड़कर, अपना इलाका छोड़कर, कहते हैं जब कोई महिला गर्भावस्था में होती है तो उसे सबसे ज़्यादा एक कहें तो ख्याल रखने की ज़रूरत होती है, एक अच्छे वातावरण की ज़रूरत होती है। और ऐसे वक्त में ये महिलाएं अपना घर बार सब कुछ छोड़कर रिलीफ कैंप में यहाँ पर अपने बच्चों को जन्म दे रही हैं। इस रिलीफ कैंप में रह रहे एक दंपत्ति से हमने बात की, जिसके बच्चे ने कुछ दिन पहले इस दुनिया में कदम रखा है। उन्होंने बताया कि कैसे उन्हें अपना घर छोड़कर रिलीफ कैंप में शरण लेनी पड़ी। मैंने कभी नहीं सोचा कि ऐसी हालत होगा हमारे देश में। आपका बच्चा सुरक्षित है? अभी तो बहुत सुरक्षित है मैं। जब घर से निकले थे तब क्या आपके दिमाग में चल रहा था? बहुत घबरा हो रहे हैं, मेरा बीवी तो प्रेग्नेंट है, क्या होगा, और मेरा बच्चा और मेरा बीवी को क्या होगा पता नहीं, इसलिए मेरा भी सोचा नहीं और मेरा दिमाग भी बहुत। मैदई समाज के ये लोग इस रिलीफ कैंप में खुद को सुरक्षित तो महसूस कर रहे हैं, लेकिन वो चाहते हैं कि मणिपुर में जल्दी से हालात सामान्य हो जाए और वो वापस अपने घर लौट सकें। वहीं केंद्र और राज्य सरकार भी मणिपुर में शांति बहाली के लिए पुरजोर कोशिश कर रही है। सीएम एन वीरेंद्र सिंह ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की और उन्हें प्रदेश के मौजूदा हालात की जानकारी दी। गृह मंत्री जी का और ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर का और सेंट्रल लीडर जो है अपने सरकार का बीजेपी का, तो मणिपुर को लेकर बहुत कंसर्न है, तो इसीलिए गृह मंत्री यहाँ पे 3 दिन ठहरने के बाद चला गया वापस। 3 दिन लगातार यहीं पे थे और यूनियन होम मिनिस्टर स्टेट नित्यानंद राय जी थे, तो आज का मीटिंग इतना ही था कि गृह मंत्री जी चाहते हैं कि मणिपुर में जल्दी से जल्दी नॉर्मलसी आए। पर वही सवाल है कि कैसे आएगा? नहीं, इसीलिए हम लोग को बुलाया, इसलिए हम लोग को इंस्ट्रक्शन दिया कि स्टेक होल्डर को मिले, सबको साथ लेके जो मतलब हो रहा है इसको समझा के मेनली फर्स्ट वैली में पीस लाने के लिए हम लोग को दायित्व सौंपा है। इससे पहले मणिपुर के हालात पर सरकार सर्वदलीय बैठक कर चुकी है, विपक्ष से इस पर सहयोग मांगा गया है। वहीं गृह मंत्री अमित शाह लगातार मणिपुर के हालात पर नजर बनाए हुए हैं। उम्मीद है
जल्द ही मणिपुर में जिंदगी पटरी पर लौटेगी और दहशत के साए में जी रहे लोग फिर से अपनी जिंदगी सुकून से जिएंगे। इम्फाल से शिवांगी ठाकुर के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी न्यूज़।